हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही है। तो गाइस, मैं लेन गया था कावड़ हरिद्वार, तो इसकी वजह से थोड़ी वीडियो नहीं आ रही थी। कावड़ की भी मैं वीडियो लाऊंगा क्योंकि मैंने शूट करी थी, अभी थोड़े दिनों में लाऊंगा। उससे पहले आज हमने रिएक्शन वीडियो बनाई है निशु तिवारी व्लॉग पे। उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। ठीक है वाइज, लेके क्रिकेट लेजेंड तक, आज की वीडियो में मैं जाने वाली हूँ इंडिया के हर फेमस सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट और देखना ये है कि किस सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट है सबसे बेस्ट। गाइस, हमारे आज की ये भाई ये तो देखना पड़ेगा आज। रेस्टोरेंट है उस सेलिब्रिटी का जिसने पूरी दुनिया की लड़कियों को पागल बोल दिया। यार ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो हम आए हैं बादशाह भाई के ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस ही है ना, हम देखने वाले कि भाई कैसा खाना है, कैसा माहौल है। उनके तीन चार गाने बज रहे हैं, नहीं बज रहे हैं, बाहर तो बज नहीं रहे। लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये भी तो है हमारे साथ। पहली बार जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में जो सेलिब्रिटी का है। तू बादशाह का फैन है? नहीं। हनी सिंह का है? नहीं। कितना गंदा आदमी है, उसी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर कह रहा है मैं उसका फैन नहीं हूँ, पर उसके रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए तैयार। हाँ, जैसे फ्री में ही खिला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। कि बादशाह भाई का रेस्टोरेंट है तो बादशाह भाई का ही मुंह लगा रखा है यहाँ पे। कमेंट करके बताओ कि ये बादशाह भाई का मुंह लग रहा है या नहीं लग रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ज्यादा नहीं बोलूंगी, पता चले हम दोनों को गेट पे से ही भगा दे। वेलकम के लिए कोई है ही नहीं यार हमारे। व्हाट इज दिस बिहेवियर बादशाह भाई, व्हाट इज दिस? हैं, क्या चल रहा है? सनक हो गई है मेरे तो अब यार, आप मर्सी दे दो मुझे, यहाँ कोई बिठाओ यार रिसेप्शन पे। हेलो, बिल्कुल सही बात। भाई ये तो खाली पड़ा है पूरा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये बादशाह भाई का है? बादशाह भाई का पता कर लीजिए, आप सर बैठे हैं वहाँ पर। यहाँ के तो स्टाफ को ही नहीं पता कि ये बादशाह का है कि नहीं है। भाई हम तीनों बादशाह भाई के रेस्टोरेंट में आकर बैठे हैं और उन्होंने हमें सबसे पहले बोला कि यार आपने आप व्लॉग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो भाई, अगर हम व्लॉग नहीं कर सकते तो भाई हम रोटी नहीं खाएंगे, हम तो आई व्लॉग करते हैं, और हम क्यों आते? और ये तो ढाबे पे भी खा लेते कहीं भी। राजमा चावल छोड़ गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। राजमा चावल बादशाह भाई के रेस्टोरेंट में उन्हीं का गाना नहीं चल रहा। भैया सनी सिंह लगा दो। और तेरे कुले 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 अंग चट्टी भगा देंगे यार। नहीं यार, भगा देंगे हमको। वी लव यू बादशाह, गाने नहीं सुन पाते इसलिए खाना खाने आके आपके रेस्टोरेंट में। कैसा लग रहा भाई? भाई साहब बहुत तगड़ी तगड़ी मेरा मन ये कह रहा है ना, हमें और कोई नहीं यार, मजाक चल रहा है। यहाँ पे बादशाह भाई आते हैं? नहीं आते, आज तक नहीं आए एक बार भी। नहीं आपको नहीं कर रहे, मेरे को कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बादशाह भाई का ना कुछ सीन हो गया यहाँ, ठीक है, इस रेस्टोरेंट में ना। तो यहाँ कोई स्टाफ बादशाह की बात कर रहा है। निशु तिवारी की वीडियो भाई साहब अलग ही है, बहुत बढ़िया वो लोग बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो यार मेरे पेट का सवाल है, कैमरा तो चलेगा। निशु तिवारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। भाई हमारा खाना यहाँ पर आ चुका है, हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी। हमने दो ही चीज मंगाई है क्योंकि हमको यहाँ पे वाइब नहीं आ रही, तो हमने सोचा कि जल्दी से खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अगर सच बताऊँ ना, जेन्युइनली रिव्यू दूँ तो टेस्ट में प्याज बहुत अच्छी है, और मिर्ची जो आई है वो तो भाई बहुत टेस्टी है, हरी मिर्ची। नींबू में भी थोड़ा दमदार है। अब समझ में आया कि ये खाली क्यों है। भाई बिल आया है 1300 रुपए। काश हम खाना खा के ये गाना गा पाते बादशाह भाई का, सब गजब सब गजब। पर जिस हिसाब का माहौल खाना है ना, मतलब क्या गाने का मन कर रहा है। मर्सी मी, हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो, चल बाहर छोले कुलचे खिलाती हूँ चल। तो गाइस आपने वीडियो देख ली होगी, तो अब नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसके 3, वो मैं एक एक करके लाऊंगा। एक आज आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, एक कल को, एक परसों को। तो जय हिंद, जय भारत।